नमस्कार, मैं प्रिया। आज 19 नवंबर, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बस का किराया बढ़ाने पर परिवहन मंत्री ने दी सफाई। होम में रहने वाली लड़कियां सीखेंगी केक पेस्ट्री बनाना। अब इस माध्यम से होगी बोर्ड की परीक्षाएं। बिहार झारखंड के रास्ते चलेगी वैष्णव देवी उत्तर भारत दर्शन ट्रेन। बिहार सरकार ने अनुकंपा बहाली पर किया बड़ा बदलाव। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज कार्तिक पूर्णिमा के तहत बिहारवासी करेंगे गंगा स्नान। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक महीने को देव महीना भी कहा जाता है और इस महीने के पूर्णिमा यानी कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शैव और वैष्णव दोनों मतों को मानने वालों के लिए भी इस महीने का खास महत्व है। वहीं इस महीने को सिख धर्म के लिए भी काफी अहम माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को आपको बता दें कि कार्तिक महीने की शुरुआत हर साल शरद पूर्णिमा के अगले दिन ही से ही हो जाती है और कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही खत्म हो जाती है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा आज यानी कि 19 नवंबर 2021 को है और इसी के साथ कार्तिक का शुभ महीना खत्म हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का भी बहुत ज्यादा महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन खुद देवगण पृथ्वी लोक पर आकर गंगा स्नान करते हैं। इतना ही नहीं, ये दिन देव दीपावली के रूप में भी जाना जाता है। अनुकंपा बहाली पर किया बड़ा बदलाव। राज्य सरकार ने अनुकंपा के आधार पर होने वाली बहाली के मामले में बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब अगर पति पत्नी सरकारी सेवा में लगे हैं तो उनमें से किसी एक की जान अगर चली जाती है तब भी उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकती है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 अक्टूबर 1991 के अपने आदेश को संशोधित कर दिया है। इस संशोधन के बारे में विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार के हवाले से गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक यदि पति पत्नी सेवा में हो, किसी एक की जान चली जाए तो वैसे स्थिति में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ उनके परिवार के किसी सदस्य को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। आज बिहार की पहचान में हम बात करेंगे सुहासिनी मुलय की। सुहासिनी मुलय बॉलीवुड, मराठी और असमिया फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन में भी एक भारतीय अभिनेत्री हैं। उन्होंने 1999 में गुलजार की फिल्म हू तू तू में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। सुहासिनी का जन्म पटना में हुआ था, जहां उन्होंने अपने बचपन का शुरुआती हिस्सा बिताया था। उन्होंने अपने पिता को खो दिया जब वो केवल 3 वर्ष की थी और उनकी मां प्रसिद्ध वृत्तचित्र फिल्म निर्माता और फिल्म इतिहासकार विजया मुले ने उनका पालन पोषण किया। अपनी माँ की वजह से ही वो फिल्म की तरफ आकर्षित हुई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, वहीं पर्यटन के लिहाज से आज हम आपको मुजफ्फरपुर के बारे में बताने वाले हैं। बिहार के प्रमुख आकर्षण में शामिल मुजफ्फरपुर बागमती और लखनदेई नदियों के निकट बसा है। लीची के लिए प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर पटना से लगभग 71 किलोमीटर दूर है। यहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों में बाबा गरीबनाथ मंदिर, जुब्बा साहनी पार्क, रामचंद्र शाही संग्रहालय, खुदीराम बोस मेमोरियल, चतुर्भुज स्थान मंदिर, श्रीराम मंदिर, रमन देवी मंदिर का नाम शामिल है। अब आइए जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। सुबह बिहार में ठंड का आगमन दिखने लगा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान कोहरे की चादर में राजधानी पटना समेत सूबे के अन्य जिले सुबह के वक्त लिपटे नजर आ रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से साझा किए गए जानकारी के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बिहार के ऊपर बना है, जो कि झारखंड तक फैला हुआ है। इसके प्रभाव से दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने के साथ ही आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद भी है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान बताया गया है। वहीं इस दौरान न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रहने का अनुमान है। वाली लड़कियां सीखेंगी केक पेस्ट्री बनाना। राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर समाज कल्याण विभाग राज्य के सभी होम में रहने वाली लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि वो बाहरी दुनिया को समझे और खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। इसको लेकर विभाग ने 70 से अधिक ऐसी लड़कियों का चयन किया है जो कि कम पढ़ी लिखी है। इन्हें केक और पेस्ट्री बनाने की ट्रेनिंग यानी 6 महीने का इंटर्न कराने के लिए निजी केक बनाने वाले कंपनी के साथ समझौता किया जाना है। 1 सप्ताह के अंदर कंपनी के साथ कागज पर सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी और 15 दिसंबर से इनका इंटर्नशिप शुरू हो जाएगा। ज्ञात हो, इन सभी लड़कियों को इंटर्न के दौरान कंपनी की तरफ से 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इसको लेकर भी सहमति बनी है। बिहार के बच्चों के संपूर्ण विकास की रूपरेखा एनसीईआरटी ने तैयार किया टूल। छात्र छात्राओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए तमन्ना कार्यक्रम के तहत उनकी क्षमता का परीक्षण किया जाना है। उसी के आधार पर उनके विकास को लेकर रूपरेखा तय की जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए कवायद तेज कर दी है। इस परीक्षण के लिए एनसीईआरटी दिल्ली द्वारा तमन्ना यानी कि ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज टूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके माध्यम से जिले के चयनित अनुकरणीय आदर्श माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9वीं और 10वीं के 100 विद्यार्थियों का एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया जाएगा, जिसके बाद 21 दिसंबर को यह टेस्ट होगा। लेकिन इससे पहले शिक्षकों को 7 से 10 दिसंबर तक कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज धूमधाम
से मनाया जाएगा 552वां प्रकाशोत्सव। सिख पंथ के प्रथम गुरु गुरु नानक जी महाराज के 552वें प्रकाशोत्सव को लेकर बीते दिन पटना सिटी के गुरु के बाग गुरुद्वारे से सिख श्रद्धालुओं द्वारा एक भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जो नगर भ्रमण करते हुए देर शाम तक तख्त श्री हरिमंदिर पहुंचा। इस नगर कीर्तन में देश के कोने कोने से आए हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गौरतलब है कि खालसा स्थापना दिवस को लेकर पटना साहिब तख्त श्री हरिमंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बताया जाता है कि गुरु नानक महाराज जी का अवतार पूर्णमासी के दिन हुआ था, इसीलिए सिख समुदाय के लोग आज इस पर्व को धूमधाम से मनाएंगे। बिहार में दाखिल खारिज को लेकर लागू होगी नई व्यवस्था। बिहार में दाखिल खारिज की समस्या आम बात है। जमीन संबंधी मामलों को लेकर बिहार में आए दिन कई आपराधिक घटनाओं की जानकारी भी सामने आती रहती है। यही कारण है कि बिहार सरकार जमीन संबंधी मामलों के निपटारे की व्यवस्था को लगातार बदलने का काम करती रही है। इसी कड़ी में अब एक बार फिर से जमीन दाखिल खारिज की व्यवस्था को बदलने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अब आपके जमीन के दाखिल खारिज का काम बदले हुए व्यवस्था के तहत होगा, क्योंकि अब बिहार सरकार राजस्व अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र बड़ा करने जा रही है, जिसके तहत अब अंचल अधिकारी के साथ साथ खारिज करने का अधिकार राजस्व अधिकारियों को भी देने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जानकारों की माने तो बिहार में दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन को लेकर यह नई व्यवस्था जल्द ही लागू कर दी जाएगी, क्योंकि यह बात खुद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत राय ने कही है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के नाम से मिलेगा मिड डे मील। बिहार के सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत मध्याह्न भोजन देने का काम किया जाता रहा है। हालांकि अब तक इसे मिड डे मील के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों को एक बार फिर से अगले महीने से मिड डे मील मिलने लगेगा। कोरोना के कारण लंबे समय से स्कूलों में मिड डे मील की सुविधा बंद है। इस बार यह व्यवस्था शुरू करने से पहले सरकार ने इसमें कई बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब यह व्यवस्था प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत आएगी और इसके वित्तीय प्रबंधन के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। मिड डे मील निदेशालय को सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। बिहार के 70,333 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में अगले महीने से बच्चों को फिर से मिड डे मील मिलने लगेगा। बिहार में फिल्म सिटी बनाने की कोई योजना नहीं। बिहार में फिल्म सिटी बनाने की चर्चा बीते कई दिनों से हो रही थी। इसी बीच कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई योजना हमारे पास नहीं है, लेकिन फिल्म शूटिंग करने वालों को सरकार जरूर हर मुमकिन मदद करेगी। इस दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार में भी फिल्म सिटी बनाने को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान भाजपा के सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा ने उक्त बातें कही हैं। इतना ही नहीं, संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा ने यह भी कहा है कि बिहार में कई ऐसे लोकेशन हैं जहां फिल्म की शूटिंग होती है। अब इस माध्यम से होगी बोर्ड की परीक्षाएं। बिहार के सभी बोर्ड के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। कोरोना के माहौल में वृद्धि को देखते हुए हाल ही में छात्रों द्वारा दायर किए गए याचिका पर सुनवाई की गई है। दरअसल याचिका में सीबीएसई और सीआईएससीई को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कोविड-19 महामारी के बीच केवल ऑफलाइन माध्यम के बजाय हाइब्रिड माध्यम से कराने के लिए संशोधित पत्र जारी करने का निर्देश का अनुरोध किया गया था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और सीआईएससीई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए केवल ऑफलाइन माध्यम के बजाय हाइब्रिड माध्यम यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का विकल्प उपलब्ध कराने का आदेश देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया और कहा है कि इस स्तर पर प्रक्रिया में बाधा डालना उचित होगा। बिहार झारखंड के रास्ते चलेगी वैष्णो देवी उत्तर भारत दर्शन ट्रेन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मां वैष्णो देवी के साथ अयोध्या से लेकर मथुरा के दर्शनीय स्थल का दर्शन कराने के लिए आईआरसीटीसी ने स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत बिहार झारखंड के रास्ते जाने वाली मां वैष्णो देवी उत्तर भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है। रांची स्टेशन से यह ट्रेन रवाना होगी। वैष्णो देवी उत्तर भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन आगामी 12 दिसंबर को रांची से खुलेगी। इसमें बोकारो, स्टील सिटी, धनबाद, आसनसोल, चितरंजन, जामताला, मधुपुर, जस्सीडीह, झाझा, क्यूल, मुकामा, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर के यात्री स्पेशल ट्रेन में सफर कर सकते हैं। ज्ञात हो यह सफर 8 दिन और 9 रात का होगा। इसके लिए प्रत्येक यात्रियों को 8,505 रूपए और थर्ड एसी में सफर करने वाले यात्रियों को 14,175 रूपए बतौर किराया देना होगा। बस का किराया बढ़ने पर परिवहन मंत्री ने दी सफाई। हाल ही में बिहार के सभी बसों में किराया बढ़ाने की बात कही गई थी, जिसके बाद से ही बस में सफर करने वाले यात्रियों ने विरोध जताना शुरू कर दिया था। वहीं यात्रियों के गुस्से को देखते हुए परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बस का किराया बढ़ाने को लेकर अपना बयान जारी किया है, क्योंकि बिहार में बीते दिन से ही एक बार फिर से जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसी दौरान शिकायत करने पहुंचे शिकायतकर्ताओं की बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में हो रही वृद्धि के कारण बस का किराया बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा। लंबे अंतराल के बाद परिवहन विभाग ने बस का भाड़ा बढ़ाया है, लंबी दूरी का किराया कम किया गया है। लोगों की से बस चलाने की मांग होती है और परिवहन विभाग उस पर लगातार काम कर रहा है। प्रदूषण को कम करने के लिए भी काम हो रहा है।
शिवानंद तिवारी ने आरएसएस विचारधारा पर साधा निशाना। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तिवारी ने एक बार फिर से गांधी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा पर निशाना साधा है। उन्होंने गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि जिस विचारधारा ने गांधी की जान ली थी उनका मकसद अभी भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। साथ ही शिवानंद तिवारी ने यह भी कहा कि ये लोग देश के लिए जान देने वाले गांधी से नफरत करते हैं, क्योंकि इनकी नफरत रास्ते में जिस तरह जीवित गांधी खड़े थे वैसे ही आज भी मृत गांधी खड़े हैं। उन्होंने पूछा कि आखिरकार गांधी को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है जिनकी जान 73 साल पहले ही चली गई थी। जीवित गांधी किसी व्यक्ति या विचारधारा के रास्ते में अवरोध थे, यह बात तो समझ में आती है। के पाठक के आते ही मद्य निषेध विभाग में हड़कंप। बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार की लगातार किरकिरी होने के बाद अब सीएम खुद एक्शन मोड में हैं और अधिकारियों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, जिसके तहत अब तेज तर्रार और कदम मिजाज वाले आईएएस अधिकारी के पाठक को सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग का नया अपर मुख्य सचिव बनाया है। बताते चले कि के पाठक 1990 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। वहीं उनके आने के साथ ही विभाग में खलबली मचने की जानकारी निकल करके सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार पाठक के मात्र से ही सचिवालय स्थित विभाग में हड़कंप मच गया है। सारे अधिकारी और कर्मी समय से पहले कार्यालय में मौजूद थे, जिसके बाद अब कानून में और ज्यादा सुधार की उम्मीद भी जताई जा रही है। बहू ने तेजस्वी को कहा लबड़ा। बिहार में पिछले दिनों जहरीली शराब से कुछ लोगों की जान जाने की खबर सामने आई थी। इसके बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक भी की थी। इस बैठक के ठीक बाद मद्य निषेध विभाग के अपर सचिव के पाठक को बनाया गया है। इधर शराब वाले मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को घेरा है और गंभीर आरोप लगाया है। दीपा संतोष मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लबरी बहन के लबर भाई तेजस्वी यादव जी, अनाज की रक्षा के लिए हमने पोटली में सल्फास की गोली रखते हैं ताकि कीड़े ना लगे। अब उकरा कोई खाएगा तो इसमें सरकार का करेगा। वहीं दारू बंद है, अब आपका लोग जहरीला दारू बेचवाएगा तो जनता की जान ही जाएगी ना। आप भी जागरूकता फैलाइए, सिर्फ आरोप मत लगाइए। फेयर में बिहार पवेलियन में मुरीद हो रहे हैं दर्शक। राजधानी दिल्ली में चल रही 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के इस बार के थीम आत्मनिर्भर भारत की कुछ ऐसी ही झलक प्रगति मैदान के हॉल नंबर 2 में इस बार मेले के भागीदार राज्य बिहार पवेलियन में देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार के इस पवेलियन में रोहतास से आई यशस्वी महिला उद्योग के स्टॉल पर मिल रहे ठेकुआ, गिलोय और कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली अन्य सामग्रियों से मिलाकर बनाए गए गुड़ के लड्डू, घरेलू खाद्य उत्पाद तिलौरी, चारोरी, मशरूम के अलावा अचार लोगों को पसंद आ रहे हैं। इस पवेलियन में आपको मिथिला पेंटिंग वाले कानों के झुमके, मोबाइल कवर, बैग, साड़ियां और मास्क सहित एक से बढ़कर एक उत्पाद आकर्षित करेंगे। इसके अलावा यहां पर आपको वॉल हैंगिंग, नेम प्लेट, मूर्तियां सहित घरेलू साज सज्जा के एक से एक बढ़कर मिट्टी की कलाकृतियां आकर्षित करेंगी। वहीं मिथिला पेंटिंग स्टॉल भी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बिहार के बीटीआर की सैर होगी रोमांचकारी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर्यटन के लिहाज से सरकार के द्वारा लगातार विकसित किया जा रहा है ताकि यह स्थान पर्यटकों को लुभाने का काम कर सके। इस बीच अब बीटीआर की सैर को और ज्यादा रोमांचकारी बनाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब बीटीआर जाने वाले पर्यटकों को नेपाल के पहाड़ देखने का मौका मिलने वाला है। इसके लिए साल 1964 में बने वॉच टावर का रंग रोगन किया जाएगा। ज्ञात हो साल 1964 में गंडक बराज के अलाइनमेंट को देखने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, अब इसे जल्द ही पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इस पर चढ़कर पर्यटक पहाड़ के अलावा नेपाली गांव बाजार सहित वीटीआर के जंगल और गंडक नदी को आसानी से देख सकेंगे। आने वाले समय में यहां 2 टेलीस्कोप भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा पर्यटकों को वीटीआर के धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराने के लिए ई रिक्शा के और जंगल की सैर कराने के लिए बस सेवा की शुरुआत की गई। विभाग भी देगा महंगाई को तगड़ा झटका। महंगाई की मार झेल रहे बिहारवासियों को अब बिजली विभाग तगड़ा झटका देने वाली है, क्योंकि बिजली दरों के अलावा फिक्स्ड चार्ज में भी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। क्योंकि बिजली की तरफ से बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपी गई याचिका में फिक्स्ड चार्ज में भी वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। कंपनी ने घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक सहित सभी श्रेणी के फिक्स्ड चार्ज में 10% तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। अगर आयोग ने इस पर मुहर लगा दी तो बिजली बिल में लोगों को अभी भी तुलना में फिक्स्ड चार्ज में भी अधिक पैसा देना होगा। आपको बता दें कि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को अभी 20 रुपए प्रति किलोवाट मासिक देने पड़ते हैं। कंपनी ने इसे 22 रुपए का प्रस्ताव दिया है। बिहार में फिर बढ़ सकती है दवाओं की कीमत। बिहार में आम जनता वैसे ही महंगाई की मार का सामना कर रही है। इसी बीच अब बिहारियों को इलाज के लिए और ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि पिछले साल की तुलना में पहले से ही दवाइयां 10-40% महंगी बाजार में मिल रही है। हालांकि अभी यह महंगाई रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब एक बार फिर से दवाइयों की कीमत बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।
केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की तरफ से इसको लेकर साफ संकेत दिए गए हैं। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार ने बताया है कि रॉ मटेरियल की बढ़ी कीमतों के कारण दवाई के दाम बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ ही IMA चाइना से आने वाले कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि को इसका कारण माना जा रहा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। भारत की ऐश्वर्या रॉय 1994 में आज के दिन मिस वर्ल्ड चुनी गई। कर्मन मल्लेश्वरी ने 1995 में भारोत्तोलन में विश्व कीर्तिमान बनाया। कल्पना चावला 1997 में अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। भारत ने 1906 में परमाणु ऊर्जा और यूरेनियम सप्लाई के लिए ऑस्ट्रेलिया का समर्थन मांगा। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद अलबर देई को साल 2008 के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड देने की घोषणा की गई। भारत की चौथी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में आज के दिन हुआ था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में आज के दिन हुआ था। भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स और प्रसिद्ध अभिनेत्री सुष्मिता सेन का जन्म 1975 में आज के दिन हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 18 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,290 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,620 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 66,300 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर। अपना पहला T20 खेल रहे वेंकटेश अय्यर ने कोच द्रविड़ के बारे में कही बड़ी बात। 17 नवंबर को जयपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज कर ली है। जयपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे युवा वेंकटेश अय्यर ने कहा कि राहुल द्रविड़ सर की कोचिंग में खेलना काफी शानदार है और मैं इसको लेकर काफी उत्साहित हूं। एक क्रिकेटर के तौर पर आपको काफी फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। मुझे जो भी रोल दिया जाएगा मैं उसमें अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा। मैं किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी या फिर कभी भी गेंदबाजी करने के लिए तैयार हूं। भारतीय दर्शकों के सामने खेलना काफी शानदार होता है और फैंस को दोबारा ग्राउंड में देखकर काफी अच्छा लगा। भारत में क्लाइमेट चेंज को लेकर गूगल ने किया बड़ा बदलाव। गूगल ने बीते दिन अपना 7वां गूगल फॉर इंडिया इवेंट आयोजित किया, जहां कंपनी ने भारतीय यूजर के लिए नई सुविधाओं और इनिशिएटिव की घोषणा की है। गूगल क्लासरूम के लिए नई सुविधा, लुक टू स्पीक पर 5 और भारतीय भाषाओं के लिए सपोर्ट, गूगल पे पर 15 बिलियन वार्षिक लेनदेन की घोषणा की गई है। गूगल ने भारत में अपने क्लाइमेट कंडीशन इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में नई पहल की भी घोषणा की है। गूगल इन गंभीर मौसम की घटनाओं के लिए भारतीयों को बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद करना चाहता है और जीवन के नुकसान को रोकने में भी मदद करना चाहता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पंकज दास, माहियानंद, ज्ञान कुमार, सुजीत कुमार, विनोद कुमार, मनीष मोहरा, ओमकार सिंह, शंकर मुखिया, पूनम कुमारी, गौतम कुमार, नीरज कुमार, अनुप्रिया, ऋतिक कुमार, नुसरत जहां, रामू कुमार, पंकज कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले में क्या भारतीय टीम आज सीरीज पर कब्जा जमाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।